Hey guys, welcome back to Cook and Bake with Rashmi. तो चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं वेज फ्राई राइस, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आप ये बनाएंगे तो कोई भी नहीं कहेगा कि ये अपने घर पे बनाया हुआ है। ये इतना टेस्टी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लगता है। तो चलिए इसे झटपट शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए हमें लगेगी एक लोखंड की कढ़ाई। जी हाँ, चाइनीज़ अगर आप लोखंड की कढ़ाई में बनाओ तो ये परफेक्ट बनता है। इसका जो टेस्ट है वो परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल आता है। अगर ना हो तो आप नॉनस्टिक में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बड़ी सी कढ़ाई ले ली है आयरन की, और इस पे जो तेल मैंने डाला हुआ है, तेल डाल के हमें इसे अच्छी तरीके से सब जगह ऑल ओवर इसको स्प्रेड कर लेना है, जिससे कि हमारी जो कढ़ाई है वो फुल नॉनस्टिक बन जाए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 5 टेबलस्पून ऑयल, ये 1/2 kg राइस के लिए मैंने लिया हुआ है। और जो ऑयल है वो रिफाइंड ऑयल है, हमें कोई भी स्मेल वाला ऑयल नहीं लेना है, जैसे कि राई का या फिर तेल का। सो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पे फाइनली चॉप्ड गार्लिक डाला हुआ है। इससे जो टेस्ट है हमारे फ्राई राइस में वो काफ़ी अच्छा आ जाता है। इसे हम लाइट गोल्डन फ्राई होने देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। सो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिए है 2 कैरेट यानी कि गाजर 2 बड़े। इसे मैंने स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है, जिससे कि ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे ये कुक करने के लिए। और हमें जो वेजिटेबल्स है यहाँ पे ये ऑलमोस्ट रॉ स्टेज पे ही रखना है, हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है। चाइनीज़ में कभी भी जो वेजिटेबल्स है वो ज़्यादा कुक नहीं किए जाते हैं। इसके साथ मैंने यहाँ पे डाली थी 2 शिमला मिर्च। अगर आपके पास रेड और येलो कलर की शिमला मिर्च अवेलेबल हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पे अभी मैंने डाल लिया है कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, ये एक मीडियम साइज़ की ली थी मैंने, जैसे कि मैंने पतला पतला स्लाइस कर लिया था। या फिर 2 से 3 हैंडफुल हमें कैबेज इसमें ऐड करनी है। और हम अभी इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से टॉस कर लेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो वेजिटेबल्स है वो बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं होने चाहिए। आप इसी के साथ इसमें ऐड कर सकते हैं फ्रेंच बीन्स। अभी यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने ऐड नहीं की है इसमें, अदरवाइज़ फ्रेंच बीन्स भी इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सो अभी जो हमारे वेजिटेबल्स है उसे 2 से 3 मिनट अच्छे से हमने टॉस कर लिया है, ये स्लाइटली सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे हमारा राइस। सो यहाँ पे सॉरी मैं शूट बटन ऑन करना भूल गई थी। सो यहाँ पे मैंने डाल लिया है 1/2 kg बासमती राइस, जो मैंने बॉईल करके अच्छे से ठंडा कर लिया था इसे पहले। हमें पूरी तरीके से कुक कर लेना है अच्छे से, और उसके बाद हमसे ठंडा कर लेना है। और कुक करते वक्त ही मैंने इसमें सॉल्ट भी ऐड किया हुआ था। इसके बाद इसमें मैंने ऐड किया हुआ है 3 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस, और 2 टीस्पून यहाँ पे मैंने डाला है ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च की पाउडर। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे वाइट विनेगर 2 टेबलस्पून। ये जितने भी सॉसेज है ये हम राइस डालने के बाद ही इसमें ऐड करेंगे, वेजिटेबल्स में हमें इसे ऐड नहीं करना है, अदरवाइज जो हमारे वेजिटेबल्स का जो कलर है वो पूरा चेंज हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम इसमें सॉल्ट ऐड कर लेंगे। और बस अभी अच्छे से हमें इसे टॉस कर लेना है, 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, जिससे कि वेजिटेबल और राइस जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मर्ज हो जाए। और बस अभी लास्टली हम इसमें ऐड करेंगे स्प्रिंग ऑनियन। सो यहाँ पे मैंने स्प्रिंग ऑनियंस लिए हैं 2 से 3 हैंडफुल। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड है कि आप स्प्रिंग ऑनियंस कितने डालना चाहते हो। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने 2 हैंडफुल डाल लिए हैं, और बस एक अच्छे से टॉस दे देंगे हम। और हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल चाइनीज़ वेज फ्राई राइस रेडी हो चुका है। सो ये हम सर्व कर लेंगे अभी। सो आप देख सकते हैं कि कितना झटपट सा बना हुआ और कितना कलरफुल परफेक्ट है ये। कोई भी वेजिटेबल्स का जो कलर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो चलिए झटपट से सर्व कर लेते हैं। तो चलिए इसे एंजॉय करते हैं अभी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये इतना ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है कि हमें इसके साथ कोई भी साइड डिश की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। सो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।